नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री प्रतुल चंद्र सरकार, जिन्हें पीसी सरकार सीनियर से भी जाना जाता है, उनके बारे में बताऊंगा, जो भारत के महान जादूगरों में से एक हैं और जिन्होंने अपनी जादू की प्रतिभा से विश्व का मन मोह लिया और उन्हें दुनिया भर में लोग द ग्रेटेस्ट मैजिशियन से भी जाने जाते हैं। लेकिन उनका सफर उतना आसान नहीं था, तो कैसे वे विश्व के महान जादूगरों में से एक बने और उनका जापान से क्या संबंध है, यह सब जानने के लिए आप यह वीडियो को अंत तक देखें। श्री प्रतुल चंद्र सरकार जी का जन्म 1913 में ब्रिटिश शासन के भारत के टांगाइल जिले के अशोकपुर इलाके में हुआ। अभी ये जगह बांग्लादेश में पड़ता है। वे जब बड़े हो रहे थे, तब स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत जोरों से चल रही थी, जिसका असर बंगाल के इस छोटे से शहर में भी हो रहा था। जादू की कला उन्हें विरासत में मिली और उनके पिताजी ने उन्हें यह कला सिखाई। उनका जो पहला प्रमुख जादुई परफॉर्मेंस जो विश्व विख्यात हुआ, वो था साल 1937 जापान में। पर वो जापान पहुंचे कैसे और किसने उनको प्रेरित किया, यह सब एक रोचक कहानी है जो मैं अब बताऊंगा। तो उनको जापान में जाने के लिए प्रेरित करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी और प्रतुल चंद्र सरकार जी की मुलाकात कलकत्ता शहर के प्रसिद्ध सरस्वती प्रेस में हुआ था। बोस जी के संस्पर्श में आने के बाद प्रतुल चंद्र सरकार जी ने बोस जी की राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जादुई शो से जो पैसे मिलते थे, वे नेताजी को दे देते थे। सुभाष चंद्र बोस जी प्रतुल चंद्र सरकार जी से काफी प्रभावित थे और वे उन्हें उस समय कहते थे कि इंग्लैंड जाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भारतीयों का आदर नहीं होता। अगर सही सम्मान पाना है तो तुम्हें जापान जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग कला को सम्मान देते हैं। पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी दूसरे देश में जाकर परफॉर्मेंस देना उस समय काफी मुश्किल था। उसी दौरान एक दिन प्रतुल जी जब कलकत्ता शहर में पैदल कहीं जा रहे थे, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें अपने कार में बिठाया और कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा जापान। रास बिहारी बोस जी से मेरी बात हो चुकी है और वे तुम्हें जापान बुला रहे हैं। जापान में तुम वहाँ कुछ जादू के शो करो और जो पैसा उस शो से मिले उसको रास बिहारी बोस जी को दे दो, ताकि वे उसको भारत की स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल कर सके। यह आदेश मिलते ही प्रतुल चंद्र जी ने जापान जाने का मन बना लिया। उस समय जापान जाने के लिए जहाज में जाना पड़ता था, तो जहाज का नाम था P&O लाइनर सिरधाना। पैसों की कमी के लिए उन्हें जहाज के बाहर वाले डेक क्लास क्षेत्र में ही जगह मिली। जापान में पहुंचने के कुछ दिन पहले एक भयंकर तूफान आया प्रशांत महासागर में। तूफान के समय बाकी सब पैसेंजर जो बाहर थे अंदर घुस गए, लेकिन क्योंकि प्रतुल जी के साथ एक उनका मैजिक इक्विपमेंट बॉक्स था, तो कप्तान ने सख्त मना किया कि कोई सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। इसके कारण उन्हें तूफान के दौरान बाहर ही रहना पड़ा। अगले दिन जब तूफान थमा, तब उनके एक सहयात्री ने देखा कि प्रतुल जी को बुखार हो गया है। सहयात्री ने पूछा कि इस बॉक्स में क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा जीवन। इसका अर्थ शायद सहयात्री ठीक से समझ नहीं पाए और उसके अंदर क्या है कि उत्सुकता सभी सहयात्रियों को होने लगी। उन्होंने सोचा होगा कि शायद इसमें कोई जेवरात या खुफिया कागज या बम पिस्तौल आदि होंगे। इसलिए जब अंत में जापान के कोबे शहर में वे उतरे, तब उनका मैजिक इक्विपमेंट बॉक्स चोरी हो चुका था। मैजिक इक्विपमेंट बॉक्स खोने के बाद और काफी ज्यादा बुखार होने के बावजूद जब वे कोबे पहुंचे, तब जापान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे वीजा दिखाने के लिए कहा, लेकिन उस बॉक्स के अंदर ही वह वीजा और अन्य पेपर था जो खो गया था। उनके बहुत बार कहने के बाद जापानी अधिकारियों ने उन्हें नया वीजा तो दिया, परंतु एक शर्त भी थी कि वह कोई जादू शो नहीं दिखा पाएंगे जापान में। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और उन्हें कोबे शहर में एक भारतीय आदमी मिला, जिसने प्रतुल जी को ओसाका शहर के नाकाजा थिएटर और कोबे शहर के इंडिया क्लब में जादू दिखाने के लिए मदद की और जापान के मशहूर लोगों और जादूगरों के बीच में जादू दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद उन्हें पीछे देखना नहीं पड़ा, क्योंकि उस परफॉर्मेंस से सभी इतने प्रभावित हुए कि उनका नाम पूरे विश्व में फैल गया। जापानी लोगों ने उनका जादू इतना पसंद किया कि वे बहुत सारे शो उसके बाद भी किए और उन्होंने अधिकतर पैसा जो उस टूर में कमाया, वे सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए रास बिहारी बोस जी को सौंप दिया। भारत की स्वाधीनता के बाद वे कलकत्ता आ जाते हैं, पर उनकी जादू की शो जारी रहती है और वे दुनिया भर में अपने जादू शो से सबका मन मोह लेते हैं। लेकिन उन्हें जापान बहुत ही प्रिय था, इसलिए वे अनगिनत बार जापान गए और सिर्फ कोबे, ओसाका या टोक्यो ही नहीं, बल्कि कई ये शहरों जैसे कि फुकुओका, शिमोनोसेकी, ओइता, हिरोशिमा, नागोया, नागानो, कुशीरो, शिबेत्सु
जैसे शहरों में भी वे गए थे। उन्हें जापान के होटल से ज्यादा जापान के ट्रेडिशनल रहने की जगह जिसे रियोकान कहते हैं वहाँ पर रहने में अच्छा लगता था। जापान में वे कई सारे जादू दिखाते थे, उनमें से एक मास हिप्नोसिस का जादू था जो आप इस चित्र में देख रहे हैं वो किया करते थे। इसके अलावा उनका विश्व प्रसिद्ध कटिंग ए लेडी इन हाफ वाला मैजिक ट्रिक भी काफी प्रसिद्ध था, जिसके कारण कुछ मैगजीन में कुछ इस तरह से दर्शाया गया था जापान में। जापान के दौरे की कुछ संबंधित तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। उस समय की जानी पहचानी जापानी मैजिशियन टेन कात्सु जी ने भी उनका जादू को देखकर काफी प्रभावित हुई थी। जनवरी 1971 में वे फिर जापान गए। वैसे तो उनका 3 महीने का प्रोग्राम था लेकिन उस समय उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं जा रही थी, फिर भी वे उस समय जापान गए और उन्होंने जापान के होकाइडो द्वीप में कुछ शोज भी किए। लेकिन जब उनका 5वां शो हो रहा था शिबित्सु शहर में, वह शो खत्म होने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद उनको करीब 60 किलोमीटर दूर के बड़े शहर आसाहिकावा में लाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी 2 अंगूठी अपने असिस्टेंट को सौंप दी थी और उनसे कहा था कि वे वो अंगूठी उनके बेटे प्रदीप को दें। और उनके मरणोपरांत उनके बेटे प्रदीप चंद्र सरकार, जिन्हें हम पीसी सरकार जूनियर से जानते हैं, उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और वे भी आज विश्व प्रसिद्ध जादूगर हैं। प्रतुल चंद्र सरकार जापान को अपना दूसरा घर मानते थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस जापान में ही ली। जापानी लोग उन्हें काफी सम्मान देते थे और उनकी सभी जादू की शो हाउसफुल जाती थी जापान में, और उन्हें जापानी लोग भी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन मानते थे। भारत सरकार ने उन्हें 1964 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।